नमस्कार। खबरों की बदलती परिभाषा ऑप्टिमिज्म एक आशा में आप सबका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे भारत के लिए बड़ी संख्या में वेंटिलेटर प्रदान करेंगे। इस पर पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद किया और कहा कि इस समय सभी राष्ट्रों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है और कोरोना से मुक्त करने की ज़रूरत है। देश भर में सोमवार से लॉकडाउन 4.0 लागू होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार लॉकडाउन नए तरीके से लागू होगा, जिसके बाद से माना जा रहा है कि इस लॉकडाउन में पहले से ज्यादा छूट मिलेगी। रेल सेवाओं के साथ साथ कुछ घरेलू उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तय करने का हक राज्यों को दे सकती है। कोरोना संकट के चलते बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लॉकडाउन खत्म होते ही कुछ बंदिशों के साथ शुरू करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में काम करने वाले इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ने दुनिया के कई देशों के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अध्ययन के बाद गाइडलाइन तैयार की है। भारत में अगर बसों का संचालन नहीं होगा तो प्राइवेट गाड़ियां चलेंगी, जिससे पॉल्यूशन बढ़ेगा और पीएम लेवल बढ़ने से कोरोना का खतरा भी बढ़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री पंजीकरण पर 17 मई को फैसला लिया जाएगा। इस साल पिछले 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अग्रिम पंजीकरण यानी एडवांस रजिस्ट्रेशन की तारीख को लॉकडाउन और कोविड महामारी के चलते 3 बार स्थगित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कुछ पाबंदियों के साथ चौथे लॉकडाउन के संकेत दिए हैं, जिससे यात्री पंजीकरण के साथ अमरनाथ यात्रा पर एक संचय बना हुआ है। सैन्य शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत घरेलू रक्षा उद्योग के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत से परीक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों में देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर का परीक्षण किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा एवं हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। जहां एक और दुनिया भर के देश अपने अपने यहां कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकने की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं ताइवान एक ऐसा देश बनकर सामने आया है जिसने कोरोना संक्रमण को बड़े स्तर पर नियंत्रण कर लिया है। 23 लाख की आबादी वाले ताइवान ने जनवरी में चीन से आने वाले यात्रियों को अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं मार्च तक ताइवान ने अपने फेस मास्क का उत्पादन भी बढ़ा दिया था। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय ने पेश की एक मिसाल, एक सिख कारपेंटर की मृत्यु के बाद किया संस्कार। दरअसल गांदरबल में पंजाब के एक जाट सिख कारपेंटर की मृत्यु हो गई और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसका पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया, जिस पर मृतक के भाई ने उनका शुक्रिया अदा किया। मृतक गांदरबल में पिछले 10 वर्षों से रह रहा था। ऑप्टिमिज्म एक आशा में आज इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बाकी की अपडेट्स आप हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और देखते रहिए इन्फोबग।